भाइयों और बहनों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। हेडफोन्स लगा लीजिए और कुर्सी की पेटी बांध ले, आगे का सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द कश्मीर, इट्स अ वेरी सनी डे। कल रात में बहुत क्लाउडी था और बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बट यू कैन सी सुबह होती इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी सनी। बट राइट नाउ वी आर लिविंग, यू कैन सी बिहाइंड मी एवरी वन इज गेटिंग रेडी। सो अभी के लिए हम लोग नचनई वैली पास पार करेंगे। यू कैन सी दैट इज एट लाइक 14,000 फीट। नचनई का मतलब होता है नच मतलब स्मॉल और नई मतलब वैली, तो स्मॉल वैली इन द मेडोज। सो वी विल क्रॉस दैट एंड आवर डेस्टिनेशन फॉर टुडे इज गटसर लेक। आज का डिस्टेंस फिर 13 किलोमीटर से, आई डोंट नो एक्चुअल और कितना होगा, 15-16। सो लेट्स कंटिन्यू। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। फर्स्ट ब्रेक फॉर द टुडे, बट आई एम फीलिंग वेरी सैड टुडे बिकॉज आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि बहुत लोग ना विदाउट रिसर्च आ जाते हैं माउंटेन्स में, और ऐसे आज हमारे साथ भी हुआ। फोर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम आवर ग्रुप दे केम विदाउट एनी रिसर्च एंड दे फेल्ट वेरी सिक टुडे, और सुबह के फर्स्ट सनराइज के साथ दे हैव टू लीव बैक टू श्रीनगर। पटो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सफर किसी के लिए नहीं रुकता, तो चलो सफर में आके चला जाए। टू फर्स्ट पास ऑफ माई लाइफ, नचनई पास एट 13,100 फीट। यू नो इतना इनक्रेडिबल अच्छा लगता है ना यार, एकदम लाइक कमाल बाहर, इतनी मस्त कोल्ड ब्रीज है यहाँ पे एंड यू कैन सी द बैरन माउंटेन्स, देयर इज हार्डली एनी वाइल्ड लाइफ, इट्स ऑल बैरन माउंटेन्स। So guys, नचनई पास at 13,100 feet। एक घंटा तो भी लेगा, मस्त बैठे हैं। बाहर बारिश होने लग गई, till we reach Maggie Point, और साथ में कावा तो और ही मजा लगे। Can you see? Weather बहुत, बहुत ज़्यादा change हो रहा है। We are getting scared. सब लोग, बहुत ज़्यादा लोग पीछे से वापस आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आगे हेलस्टॉर्म हुआ है, सो दे आर नॉट एबल टू मैनेज दैट हेलस्टॉर्म, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई उनकी, और वेदर भी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है। बट इट जस्ट 10 o'clock, ऐसा वेदर हो चुका है कि कभी भी एकदम जोर से स्नोफॉल हुआ,
there's mountains for you. Anything can happen anytime. So we are reached to the lunch point. Right now it's 12:30. Quietly right on time. और यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब लंच कर रहे हैं। How's it? It's good, it's good, it's good. We are getting pulao at the altitude of 12,500 feet. Wonderful. Wow. After lunch break, we have started trekking, and it's so beautiful landscape. I'll show you. ऐसा लग रहा है ना कि कोई गोल्फ कोर्स है और उसके बीचों बीच हम लोग जा रहे हैं और साइड में रिवर है. आप लोग आवाज़ सुन पा रहे होंगे. बहुत ज़्यादा सीनिक है, बहुत ज़्यादा. स्टिल 5 किलोमीटर्स टू गो फॉर कैंप साइट. और अभी टाइम हो चुका है 2:00, तो बाय 4. पहाड़ों में मौसम मुंबई की फैशन की तरह बदलता है. एक ही दिन में आपको धूप, बारिश, स्नो और क्या क्या नहीं देखने मिलता. बट इसका एहसास बहुत अलग है. ये दिल को सुकून दे जाता है. फाइनली मेड इट टू विष्णुसार लेक. कैंप साइट ऑफ डे 2. जो पीछे रॉक देख रहे हैं ना, इसके नीचे है वो. देख, अभी टाइम हो रहा है 1500 आवर्स. हम लोग तीनों सबसे फास्टेस्ट आए. अभी कोई भी नहीं आया है, लेकिन हम लोग का टेंट सब पिच हो गया है. दिस इज़ अवर कैंप साइट टुडे. और यहाँ के ये नज़ारे. आई होप यू गाइज वर्चुअली एंजॉइंग. तो अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है धीरे धीरे. बारिश थोड़ी सी ख़त्म होने के बाद हम लोग वहाँ पे से थोड़ा सा ट्रैक करके लेक देखने जाएंगे. ये लेक कैसे बने किसी को नहीं पता, बट नेचर ने दिए हुए सबसे खूबसूरत तोहफे में से एक है कश्मीर ग्रेट लेक्स. दिस लेक्स आर ऑलिगोट्रॉफिक. इसका मतलब है इस लेक के अंदर किसी पेड़ पौधे अलगे का निर्माण नहीं होता है. दैट्स वाई दिस लेक्स आर सो ब्लू इन नेचर. आपको एक और सवाल पड़ा होगा कि इसको विष्णुसार नाम कैसे पड़ा. इसके लिए आगे बढ़ते. Good morning everyone. It's not a great day. सब लोग हंस रहे हैं बिकॉज हम लोग सब 5 बजे उठे. बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड लास्ट नाइट कि हमें 5 बजे उठना है. तो हम 5 बजे उठे तो वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था. तो 7 बजे फिर एक मीटिंग हुआ, जस्ट लाइक क्रिकेट इंस्पेक्शन. उस टाइम बोला गया कि वी विल नॉट प्रोसीड. तो 8:30 को फिर इंस्पेक्शन हुआ, उस टाइम हमें बोला गया कि वी कैन प्रोसीड. तो राइट नाउ इट्स 9:30 एंड वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स गटसर लेक. आज का डिस्टेंस है 16 किलोमीटर्स एंड इट्स वन ऑफ द टफेस्ट इन कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रेक. बहुत ज़्यादा असेंड है और वेदर तो आई विल शो यू. सी, दिस इज ऑल क्लाउडी. एनी टाइम रेन कैन कम गो. यही चल रहा है कल रात से, बहुत बारिश हो रही है. बट ट्रेक करना है. लास्ट 2 घंटे पहले बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे कि वापस जाना पड़ेगा, बट फाइनली वी आर मूविंग. सो लेट्स गो. कैन यू सी द लेक बिहाइंड मी, द फुल व्यू. कितना अच्छा लग रहा है ना. सी, लिटरली कभी कभी एकदम खुद के सामने ऐसा एक्सप्लेनेशन मार खा जाता है कि कभी कभी कोई भगवान कोई चीज़ इतनी सुंदर कैसे बना देता है. लिटरली हैव नो वर्ड्स फॉर दिस ब्यूटी.
बहुत अच्छा लग रहा देख के। The beautiful sun is out after 2 hours and you can see behind me the beautiful lakes and here is another pass at 14,100 feet Gadsar pass मुझे बहुत सांस लग रही है but I want to show you कि पास क्लाइंब करना कितना डिफिकल्ट होता है कि वाई दे कॉल कश्मीर ग्रेट लेक्स इज द प्रीटीएस्ट ट्रेक इन इंडिया। एक साइड फुल ऑफ लेक और एक साइड वैली एंड नथिंग एल्स सो ब्यूटीफुल। अभी मंजूर भाई बताएंगे हमें इसको विष्णुसार किशनसार क्यों बोलते हैं। मैंने भी ऐसा सुना है कि जो कश्मीरी पंडित है ना वो लोग यहाँ पे आते थे उन्होंने इसका नाम विष्णुसार किशनसार रखा है। गंगा वाला ये वो आते हैं यहाँ पे इस साइड में नहीं आते गंगावल साइड में आते हैं वो पूजा करने के लिए तो उन्होंने इस एरिया का नाम रखा है विष्णुसार किशनसार। और वो जो सामने दिख रहा है वो गडसर है वो आगे वाला गडसर है वो जो लेक दिख रहा है वो सामने यहाँ से स्टार्ट गडसर ही है। अच्छा अच्छा पूरा यहाँ से स्टार्ट अभी गडसर में हम जाएंगे। इस ट्रेक का ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था तो सबके साथ एक वीडियो सेल्फी बनता था। भैया जी स्माइल। टाइम फॉर अनदर वैली एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दिस ट्रेल इज। और ये यहाँ पे सामने एक और लेक है। दिस इज ऑल बैरन माउंटेन्स और वहाँ पे मस्त सीधा सीधा ऐसा ट्रेल है। पहाड़ों में आपको समय का पता नहीं चलता। नेचर को फील करते करते आपको उससे इश्क हो जाता है और बार बार दिल की बात बोलता है हे माउंटेन्स काश पहले मिल जाते। इतनी एक अद्भुत चीज़ है ना यहाँ पे एक दिखा दो मैं आपको। जस्ट लुक एट दिस साइड ए पूरा टोटली ग्रीन लश माउंटेन एंड जस्ट सी द अदर साइड स्नो कैप देयर इज हार्डली एनी ग्रीन ट्री लैंड दैट साइड एंड दैट इज इन द मिडल वैली है ना चमत्कार। बट डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इट्स ऑलरेडी 2 o'clock और अभी भी 3 to 4 किलोमीटर्स टू गो। इट्स क्वाइट विंडी राइट नाउ बट काफ़ी सुकून है यहाँ पे। इट रियली फील्स लाइक हेवन। अगर आप मुझसे पूछोगे विच इज योर फेवरेट लेक इन कश्मीर ग्रेट लेक्स लेक देन इट इज डेफिनेटली गडसर लेक। उस जगह में कुछ था मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता। शाम होते होते धूप खिल गई थी लेकिन शरीर अब काफ़ी थक चुका था। ऐसे लग रहा था कि बस अब यही रुक जाओ। और उतने में ये दो मासूम बच्चे मुझे दिख जाते हैं और उनके चेहरे की खुशी देख के एक बड़ा दिल को सुकून। हाय So finally made it to the campsite almost after 26,000 steps 16.5 kilometers after a very bad start for the day
ये दिन बहुत अच्छे नोट पे खत्म हो रहा है. ब्यूटीफुल सनसेट हैपनिंग आउटसाइड. बहुत मजा है. लेट्स एंजॉय द सनसेट. आई होप यू रियली लव दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट. अंटिल देन स्टे सेफ. जय हिंद.